मॉर्निंग एवरीवन, मैं भावना कोहली स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज कि मैं आज उनसे मिलने वाली हूँ 2 से 2.5 साल बाद। और किसी से जब आप इतने लॉन्ग टाइम बाद मिलते हो तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत एक्साइटेड होते हो, और मतलब आज का दिन मेरे लिए एक्साइटेड भी है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मिलना है क्योंकि मिलना भी ज़रूरी है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि कुछ काम है या कुछ है, बट हाँ मिलना ज़रूरी है मुझे उनसे। और अब आप सोच रहे होंगे उनसे मतलब किन से, हाँ हाँ मैं आपको बताऊंगी, बट वो थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं क्योंकि अगर मैं मिलने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है आपको तो पता चलने ही वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं जो छुपा रहेगा। तो फिर अब हम मैं आपसे मिलूँगी लोकेशन पे, और सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं नहा धो के रेडी हूँ, पर प्रॉपर रेडी नहीं हूँ अभी, मुझे तैयार भी होना है। और आप बताइएगा फिर मेरे को मेरा फाइनल लुक आपको कैसा लगा, ठीक है। मेरे को तो मतलब मैं कुर्ती वगैरह आपको पता ही है मैं बहुत कम पहनती हूँ, पर आज मैंने शॉर्ट कुर्ती जीन्स के साथ कैरी की है। जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और जिनसे मैं मिलने वाली हूँ उनका भी रिस्पॉन्स कीजिएगा कि वो भी कैसे लग रहे हैं। तो मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और एक्साइटेड में मैं फटाफट से रेडी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे तक लोकेशन पे पहुँचना है, वो भी वहीं मुझसे मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं लोकेशन पे, बाय बाय। मेट्रो पहुँचे हुए हो गया है काफ़ी टाइम, मैं 10:10 पे मेरी बात हुई थी इन लोगों से और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ मैं पहली बार ऐसा हो रहा है, रिकॉर्ड टूटा है कि मैं टाइम से पहुँची हूँ और मैंने इतनी देर किसी का वेट किया है सिवाय इनके, बल्कि इनके भी क्या यही मेरा वेट करते हैं। और मेरे को इतनी देर हो गई है और मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है, ये लोग कब तक आएंगे पता नहीं। और आज मेरे साथ एक स्कैम और हो गया कि मैं घर से जल्दीबाजी में वॉलेट लाना भूल गई, क्योंकि आज मैं अपना दूसरा वाला बैग लेके आई हूँ और मेरे पहले वाले बैग में मेरी सारी चीज़ें थी तो मैं इसमें रखना भूल गई हूँ। अब मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये लोग जल्दी से आ जाएँ, फिर मैं आप लोगों को भी इनसे मिलवाऊँगी जिन लोगों से मैं आज मिलने वाली हूँ। अब लोग बोल दिया तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 2-3 लोग हैं, एक तो है नहीं, क्योंकि मैं उनसे कह रही थी सस्पेंस है। चलो अभी ये आ जाएंगे फिर मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, तो आप व्लॉग में बने रहिएगा। ये लोग मुझसे मिल चुके हैं, देखो सबसे लेट आई है मैडम, बाकी मैं बुला रही थी। हेलो 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 हेलो, हाय हाय, ये तो बुर्का वाली क्यों बन रही है? काम इधर आ जाओ, ये ही वो लोग हैं जो मिलने वाले थे भाई, ये हटा दे भाई हटा दे, ये वहाँ पे जाके मंदिर में जाके मुंह दिखाई करेगी। ये देखो तू भी वहीं जाके उतारेगी अपना ये डाटा, ये भी वहीं जाके उतारेगी। तो फिर अभी इन लोगों से मैं मिल रही हूँ, एक्चुअली अंजू और वर्षा मुझे साकेत में मिल गए थे और ये शिवानी और गौरी मुझे यहाँ मालवे नगर में मिले हैं, और मैं इनसे मिल नहीं पाई क्योंकि हम जैसे ही मिले हमारी मेट्रो आ गई और मैं इन लोगों से ठीक से मिल भी नहीं पाई यार। और कॉन्ग्रेचुलेशन इसकी भी, रोका रोका हो गया ना आपका भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। और हम दोनों की शादी भी आसपास ही है अगले साल, तेरा भी, इसकी इतनी अफवाह नहीं फैलानी भाई, नहीं ये फेमस हो जाएगी। ये पे इन लोगों का देखो फोटो शूट हो रहा है, आते ही सब अपने अपने फोटो शूट में लगे हैं, ये देखो। हाँ तो चलो एक एक करके सबसे पूछती हूँ। हाँ भूपेंद्र जोगी आप बताइए आपको। ए
इधर देखो वो क्या नाम थारा बोल क्या देखू मैंने कहा भूपेंद्र जोगी से बात कर लेते हैं ए सारे खड़े हो गए सबसे बात करूंगी मैं हाँ तो मैं आपको इन सबसे मिलवाती हूँ ठीक है सबसे पहले इनसे मिलते हैं ये है हाँ भाई कौन सी क्लास में पाइकन मत बोलियो कक्षा पांचवी में कक्षा पांचवी में तो हमारी मेट्रो आ चुकी है और आप कैसे हो आप और कहा कितने टाइम बाद मिलकर मुझसे कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ और हाँ भूपेंद्र जोगी आपको कैसा लग रहा है बस हम बता नहीं सकते हैं और ये देखो ये सबसे ज्यादा बिजी है आपको कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद मिलकर बहुत बहुत अच्छा लव यू गॉड ये ओवर एक्टिंग के 10 रुपए कटेंगे इसके और देखो गाइस हमारी मेट्रो आ गई हम भग रहे हैं बाय 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 इतने टाइम बाद मिले तो इनकी बातें खत्म नहीं हो रही इनको सीट नहीं मिली दोनों को बेचारों को और हमें मिल गई वर्षा ने पहले जगह घेरी हमें सीट मिल चुकी है डाकू ये माइक में बोलेंगे भाई आवाज़ नहीं आती कौन हो आप और हम हैं डाकू हसीना नहीं मैं डाकू हसीना नहीं हूँ मैं कातिल हसीना कातिल सही मैं ये वर्ड बोलना इसकी आईज देखो आज गाइस एकदम जहर वैसे इसकी आईज बहुत प्यारी इसकी आईब्रो अच्छी लगती है और आज इसकी आंखें इतनी अच्छी लग रही क्या लगा तूने नीचे रेड रेड सस्ता गाइस खून चूस कराई है ब्लशर क्या 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 गाइस खून चूस करूंगी तुम लोगों का खून चूसा ना इसलिए मेरी आंखें रेड रेड सी हो गई है गाइस हमारा खून चूस रहे यार छोड़ दे ना ससुराल जाना है वैसे भी खून की जरूरत है हमें वहाँ पे सबसे ज्यादा ये भूपेंद्र जोगी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है भूपेंद्र जोगी बैगन यार मेरे को ना इन लोगों से एक पहेली पूछनी है पर अभी नहीं जब हम लोग यहाँ से उतरेंगे ना तब मतलब फिर वो एक पहेली पूछूंगी मैं इनसे हाँ तो फिर हम अब मिलेंगे अब सीधा हम यहाँ से उतरेंगे तब उसके बाद हम टेंपल जाएंगे टेंपल के बाद हम कहीं जाएंगे क्या यार नहीं तो फिर अब हम सीधा मंदिर में मिलेंगे और यही वो चारों लोग थे जिनसे मैं मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि हम बहुत बहुत टाइम बाद इससे तो मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ ना जब बार पहली बार स्कूल के बाद पहली बार मिल रहे हैं फिर भी अंजू वर्षा गौरी इनसे तो मैं मिलती रहती तो फिर मैं आपसे मिलूंगी लोकेशन पर चलो वही हमारा स्टेशन आ गया तुम लोग कब उठोगे ये सीधा मंदिर में दर्शन देंगे गाइस नहीं ये अभी वहाँ से गेट खोल के उधर जाएगी और ये मेट्रो को ऐसे लेके जाएगी वापस सवारी लेकर आएगी इधर ये बिजी मूवमेंट आ जाओ चलो गाइस हम लोग एग्जिट कर चुके हैं जूड़ा खोल लो अपना जूड़ा खोल के ज़्यादा अच्छे लगोगे आप परशु पहले पूछ कहाँ गई पूछ लियो किधर से एग्जिट करना है अब हम मिलेंगे लोकेशन पर मंदिर में आई होप वीडियो बनाना अलाउड हो यार तो बहुत वो कर रखा था आजकल वीडियो के लिए तो ना रेडी वाले भी इतना भाव खाते हैं ना यहाँ शूट मत करो ये मत करो वो मत करो चलो फिर अब हम मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स आप ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ मंदिर में फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे और ये हमारी प्यारी सी वर्षु क्या लेके आई है बना के पता नहीं पुलाव बना के लेके आई है गौरी पास्ता लाई है तुम क्यों नहीं लाए कुछ नहीं तुम्हारे लिए खाने आए हैं सही बात है बनाने वाले दो हैं और हम तीन खाने वाले हम कुछ नहीं लेकर आए हैं हाँ यार बहुत और आज धूप भी हो रही है वेदर अच्छा हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है तो अब हम मिलेंगे लोकेशन पे भाई रिक्शे वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं हाँ अंजू चिंतित है कि क्या होगा तो हमारी दीदी वर्षु दीदी बार्गेनिंग कर रही है फाइनल आउट हो जाए तो गाइस जा रहे हो ना फ्री में लेके जा रहे हो मैं अपना भाई हो जो आप दोगे भाई को भैया के तौर पे जो दोगे यार 5 जने ऐसे भैया अंजू आगे बैठ जा ऑटो चला ले तू भाई तो भैया ने हमारे साथ बार्गेनिंग में थोड़ी थोड़ी सफलता प्राप्त कर ली है और अंजू ये दीदी आगे बैठेंगी ठीक है गाइस हमारा करता धरता आगे बैठा है माई बाप है हम पर्सनल लेकर आए थे हाँ अंजू वो पापा के साथ जा जा के रिक्शा चलाना सीख ही गई कैसे कैसे क्या गाइडलाइंस है ये आगे बैठी है इसने बोला ये मेरे बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है कहीं आप गलत दिशा में ना ले जाओ ऑटो तो इसने सारी सारी चीज़ें इसने अपने ऊपर ले ली है हम लोगों को ऑटो मिल चुका है हमने भैया से बहुत अच्छे से बार्गेनिंग की भैया ने तो ज़्यादा ही भावुक हो गए भावनाओं में बह गए
फ्री में ले जाने वाली बात हुई है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे यार, है ना। और हमारी दीदी इधर बैठी है कोने में। दीदी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर की और बात। और वर्षा के चक्कर में हम सब जा रहे हैं, मतलब इसके थ्रू हम सब जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अंशू को देख देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। थैंक यू सो मच। और ये छोटा बच्चा आगे बैठा है। छोटा बच्चा आगे बैठा हमारा है। चलो फिर अब हम आपसे मिलेंगे। उतर गए हम लोग, ये लोग आगे चल रहे हैं, मैं पीछे मंदिर पहुंच चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यार, मैं तो पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चप्पल जूते वाले भी पैसे मांग रहे हैं। हम मेट्रो से उतरे ना, तो मेट्रो से आपको 40 रुपये सवारी मिल जाएगी, ठीक है। और वो आपको ना यहाँ मंदिर के बाहर उतार देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप ऐसे अपने चप्पल जूते रखवा सकते हो। ये पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, अभी हम इनसे भी बात, इनसे क्या बात करेंगे, मैं इनसे पूछेंगे अभी हम कि कितने चार्ज लगता है क्या। और ये देखो आप, यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी लाइन है, और यहाँ पे ये लोग गाइडेंस जो भी चीज़ें यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं लोगों को। एक सेकंड, तो यहाँ पे पकड़ इसे, तू नहीं पकड़ रखा था इसको। यार तू एक बात बता, मैं चीजें कहाँ रखेंगे, बैग वैग? भाई मैं तो कह रही हूँ आप लोग आए तो बैग वैग कुछ ना लेके आए, सिर्फ अपना फोन लेकर आए। गाइज हम अंजू या चिंता में है, क्या हो गया? इंतजार करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। तो यार करो यार। परेशानी किस बात की हो रही है? परेशानी इस बात की है कि मतलब भूख लगेगी यार। सामान क्या रहेगा हमारा? अंजू की इतनी महंगी चप्पल है, ये कैसे यहाँ पे रहेंगी यार चप्पल है। गाइस बहुत भीड़ है, आप ये लाइन देख सकते हो, कितनी बड़ी लाइन लग रही है यार यहाँ पे, पता नहीं कब तक नंबर आएगा हमारा। ए गौरी अच्छी लग रही है। भाई यहाँ से आपको कट्टा मिलेगा, ये सारी चीजें रखेंगे। चलो गाइस तो फिर मैं आपसे अंदर मिलती हूँ। संडे ना आए कृपा करके, पर जिनके पास संडे का ही टाइम है वो संडे ही आएंगे। मैं आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारी भीड़ है। और यहाँ पे ये लोग भी वेट कर रहे हैं। हाँ तो अंजू कैसा लग रहा है आकर? अभी अंदर भी नहीं पहुँचे, अभी तो भगवान के दर्शन से दूर है, जल्दी पहुँचने वाले हैं हम। और हमारी दीदी पुलाव वाली दीदी बताएंगे। आप तो सेकंड टाइम आ रहे हो ना? मैं थर्ड टाइम आ रही हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं थर्ड टाइम आ रही हूँ। यार बहुत लकी है ये थर्ड टाइम आ रही है। और झुमके वाली दीदी आप? मेरा फर्स्ट टाइम है। आपका कितना टाइम है यहाँ पे? मीन्स पहली बार आ रहे हो? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ यहाँ पे। इसका घर पीछे छोड़ देना, हमने ऊपर वो पहाड़ बन रहा था। तो गाइस बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा रश बहुत हो रहा है मंदिर में अंदर। मज़ा आ रहा है, जितनी भीड़ हो रही है उतना ही मज़ा आ रहा है। हाँ और अब हम इस भीड़ में मस्ती करते हुए अंदर तक जाएंगे। और पता है मुझे कैसा लग रहा है, मुझे पिकनिक वाले दिन याद आ गए भाई। हाँ। पिकनिक में हम कितनी मस्ती करते थे, है ना, खा पी के। हम पिकनिक वाली फील भी देंगे आपको, जब हमारा खाना खुलेगा उसके बाद हम खाएंगे उसको, तो आपको पूरी फील आएगी। हाँ। ये दो लोग हैं जो हमारे यहाँ बहुत मेहनती है, ये दोनों माले बना के लाए, इनको हमारे इतना ख्याल है ना, सीरियसली हमारे खाना बना के लाए लोग, है ना। ये पास्ता बना के लाए? हाँ जी। आपने मुँह क्यों ढका हुआ है? बस ऐसे। ये कह रही है कि मैं आप खाटू श्याम जी के पास जाऊंगी, वहीं पे उनको अपना मुँह दिखाऊंगी। मुँह दिखाई होगी वहाँ पे। भाई बहुत भीड़ हो रही है यार, पर मज़ा आ रहा है हमें लाइन में। पर हम लोगों ने ना एक चालाकी दिखाई है, अंजू ने ना हमें चुपचाप से अंदर घुसा दिया। भाई हाँ, ठसे की रिपोर्ट से काम हो गया हमारा, है सच में। चलो अब हम मिलेंगे। ज़्यादा मतलब लंबी है ना ऊँट की तरह, तो इसलिए लोग उसे थोड़ा सा ऊँट। जय 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 जय।
और कोई भी रह गए हो तो बता दो, बोलो अंजू बाबा के अंजू बाबा की आई बैगन भूपेंद्र जोगी आई है। मजा आ रहा है और मैं यहाँ पे किट्टू को भी मिस कर रही हूँ यार। अंजू आप किसी को मिस कर रहे हो यहाँ पे? हमारे होने वाले जीजू को। और आप भी तो उन्हीं को कर रही हो। हाँ मैं भी उन्हीं को कर रही हूँ, हम भी उन्हीं को मिस कर रहे हैं। और अब हम मिलेंगे आपसे अंदर, ठीक है? और अंदर का यार, अंदर का व्यू कैसा है वर्षू? बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा गाइस, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे अंदर का व्यू देख के। अब तो मैं सुपर एक्साइटेड हो रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे मिलूंगी अंदर, बाय बाय। जीजू को कहते हैं हारे का सहारा। तो गाइस आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप इनके पास आइए, अपनी झोली फैलाइए, ये जरूर हारे के सहारा है, तो आपको अपनी मुसीबतों से निकालेंगे। हाँ गाइस, और मैं तो कहती हूँ कि भगवान सब पे इनकी कृपा होनी चाहिए, इनकी क्या सारे भगवानों की कृपा सब पे होनी चाहिए। और मेरा तो फर्स्ट टाइम है और देखते हैं, लेट्स सी। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, मेरी मतलब मैंने कभी कुछ मांगा हो मुझे याद नहीं कब पूरा हुआ होगा, तो लेट्स सी। मैं भी बहुत इच्छाएं लेकर बहुत दिल से आई हूँ कि मेरे भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ मेरी भी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा जी के आगे रखूँ और वो पूरी हो, ताकि वो पूरी हो तो मैं वो दूसरी बार आऊँ, और दूसरी बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आना चाहती हूँ, अपने ससुराल वालों के साथ, मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम। और अगर उसके ही पहले बाबा जी ने बुलाया तो मैं डेफिनेटली आऊँगी, है ना? आप भी जीजू के साथ आना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाइस, अब मैं आपसे अंदर मिलूंगी, बाय बाय। जब तक आप व्लॉग पे बने रहिए हमारे साथ। तो भाई वर्षा घर बनाएगी, मन्नत मांगेगी घर बनाकर, कह रहे हैं कि मान्यता है मकान घर के लिए अर्जी। अच्छा, अगर आपको घर बनवाना है उसके लिए अर्जी है, तो शिवानी बन दे रही है अर्जी। और किसने दिया? और किसने दिया? तूने भी दिया है अंजू? वर्षा तूने दिया शिवानी? शिवानी का घर बस जाए, घर के लिए दिया, ये घर के लिए। हाँ जी, मैं घर के, मेरी बहुत तमन्ना है मेरा घर बन जाए अच्छा सा। हाँ घर बन जाए और घर बस भी जाए इसका। और गौरी ने भी? गौरी ने भी। अच्छा, तो यहाँ से हमने लिया है और ये इधर भीड़ है और उस साइड बनेगा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। भाई तो यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे घर बनाए जाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती है और इसका कोई चार्ज नहीं है, हमें लगा था चार्जेबल है, पर यहाँ ये दूसरों के घरों को नांगना है, दूसरों के घरों को तोड़ना है। भाई देखो, दूसरों के घरों को तोड़कर किसी का घर नहीं बस सकता। गौरी ने एक घर उजाड़ा। अबे एक
ईट रख दे, वो भी बहुत है भाई। गौरी ने घर बना दिया, गौरी घर बना रही है भाई। अंजू कहाँ है? अंजू पकड़ ले। अच्छा भाई, बस गौरी बस आपके पूरा बुर्ज खलीफा बनाएगी। पांच मंजिल का ऐसा है क्या भाई? ये देखो कोई इतनी मन से बना के गया है, और देखो गौरी ने, गौरी मैं समझ गई तेरा इंटेंशन, याद आ गया मुझे। भाई वर्षा ने भी घर बनाना शुरू कर दिया। वर्षा घर बना रही है अभी, बैठेगी इसमें। भाई शिवानी ने किसी की पांच मंजिल वाले घर बना था, उसने उजाड़ दिया, कब्जा कराया। भाई यहाँ पे लोग, ये कैसी कैसे कैसे रिचुअल्स है यार, ये मतलब मान्यता है भाई। ठीक है चलो, अब यार एक ईट रख दो अपने दिल से। गौरी का घर, गौरी अपना घर दिखा। ओ भाई, और वर्षा तेरा घर कहाँ है? ये वर्षा का घर है, ये घर है या पानी का कुआं? ए सुन शिवानी, शिवानी तेरा घर यहाँ तक जाना चाहिए, ऊपर तक इसको टच होना चाहिए, यहाँ तक जाएगा उसका घर। अरे यार मेरा मानना है, दिल से ईट उठा के भी रख दो ना भाई, घर बनना होगा भी बन जाएगा यार, किसी का घर तोड़ के मत रखो। गाइज मैं भी इस रिचुअल्स को फॉलो करने का मन कर रहा है, चलो मैं भी बनाती हूँ। ये सागर का घर बन गया है। सबके देखो लेके आए थे, और अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ से भी कुछ ना कुछ खाएंगे। ठीक है, तो ये है मैक्रोनी और पुलाव जो हम लेकर आए हैं, तो अब हम कुछ खा लें। खाना खाने के बाद, यहाँ से कुछ खाने के बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं हाँ, ये हमारी मीठी चटनी दो, हरी ज़्यादा डाल देना। ओ वाओ, ये अच्छा लग रहा है ना। चलो वीडियो बनाएंगे ना जब हम जाएंगे ना, तब कम्मा करेंगे हम। चलो चलो गा, चल अंजू। यार कद का बढ़िया है ना, आए गौरी टच कर जाएंगे, टच कर। मैं मेरी बना वीडियो, ठीक है कैमरे पे आता रहता हूँ।
हो गए ना आइसक्रीम, उसकी चाय और आज के दिन मेरे साथ हादसा हो गया भाई, ब्लड और सस्ते जुगाड़ खा ले खा, तू भी खा, टेस्ट कर पहले। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए, इसने दो कुल्फी खा ली यहाँ बैठे बैठे, तो हमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ऑसम एक्सपीरियंस था, और ये था ये पहले भी आ चुकी है, और आपको बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच खाने के लिए। झुमके वाली दीदी आप फॉर दैट, इट्स माई प्लेजर। तो चलो गाइज, इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, क्योंकि अभी रास्ते में हम सब थक गए, मेरे फोन में तो अब हम घर जा रहे हैं, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।